हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसमें हम अपनी मील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात करेंगे। आई विल शेयर मैं घर में कैसे योगर्ट बनाती हूँ, कैसे घी बनाती हूँ, और एक बहुत ही स्पेशल विंटर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि प्रिया, आप घर में दही कैसे बनाते हो? अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो ना, तो घर में दही सेट करना, स्पेशली विंटर्स में, इज अ टफ जॉब। तो चलिए कुछ अपने टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टील का पॉट लिया है, जो कि 5 लीटर का है और काफी थिक बॉटम वाला है। इसके अंदर मैं पूरा 1 गैलन मिल्क ऐड करूंगी, और जो मैं मिल्क यूज करती हूँ ये फुल क्रीम मिल्क है, बिकॉज फुल क्रीम मिल्क से ना जो दही बनता है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैंने पूरे मिल्क को ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, जिससे कि मिल्क नीचे से लग के जले नहीं। और अब मैं इसे चलाते चलाते अच्छे से बॉईल करूंगी। अगर दूध नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा, तो फिर दही का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से बॉईल किया है चलाते चलाते, और फिर ठंडा किया है। अब ये एकदम ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे है। इसके अंदर अब हम स्टार्टर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पहले से घर में दही है तो आप उसको एज अ स्टार्टर यूज कर सकते हो। इफ इन केस आपके पास नहीं है तो आप बाजार से प्लेन योगर्ट लेके उसको भी एज अ स्टार्टर अगर ऐड करेंगे तो उसका दही भी बहुत अच्छा सेट हो जाता है। बस मैंने 2 चम्मच ऐड किया, स्टेयर कर दिया, और अब मैं इसे गर्म जगह पे रखूंगी। तो मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था जस्ट 5 मिनट के लिए, और उसके अंदर मैंने अब अपने दूध को सेट होने के लिए रख दिया। विंटर्स में 12 to 14 आवर्स लग जाते हैं दही को बनने में, और 12 से 14 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे ना, तो दही एकदम अच्छा सा थिक सा सेट हुआ मिलेगा। समर्स में तो 8 to 9 आवर्स में ही अच्छे से सेट हो जाता है। बस अब मैं इसे अपने फ्रिज में स्टोर कर लूंगी, और इतना दही मेरी फैमिली के लिए पूरा 1 हफ्ता चल जाता है। चलिए अब बनाते हैं घर का घी। तो घी बनाने के लिए मैंने ये स्वाद का अनसॉल्टेड बटर यूज किया है। ये पटेल स्टोर से मैं लेकर आई थी, और इसका घी बहुत अच्छा बना। इफ इन केस अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर से भी घी बना सकते हो। तो मैंने 2 ब्लॉक्स आधी आधी किलो के जो अनसॉल्टेड बटर के थे वो एक पॉट में ऐड कर दिए। बस अब इसे मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते रहना है, बस ओकेजनली चलाना है। जो ये वाइट फ्रॉथ आपको दिख रही है वो धीरे धीरे करके हैवी हो जाएगी और नीचे सेटल हो जाएगी, और जो ये येलो येलो पार्ट दिख रहा है बटर का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो बस 1 किलो घी बनाने में करीबन आपको लगेंगे 20 से 25 मिनट्स। मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, अदरवाइज ये जल जाएगा। और जब आपको इस टाइप का दिखे ना, तब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, और थोड़ी देर ना घी अपने टेम्परेचर में ही कुक होता रहता है। और ये देखिए धीरे धीरे करके और ये क्लियर हो गया। जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तब मैंने इसको एक स्ट्रेनर से छान के अपने एक ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया, और अब ये जब थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको कवर करके स्टोर कर लूंगी। ये घर का बना हुआ घी बहुत ही अच्छा होता है, और अब जो भी मेरे घर में रेसिपीज बनती हैं, स्पेशली बेबी की रेसिपीज होती हैं, वो सब मैं अपने घर के बने हुए घी में ही बनाती हूँ। इसका टेक्सचर जो है घी का बहुत अच्छा होता है, और टेस्टी भी बहुत होता है। कमिंग ऑन टू अनादर हेल्दी होम मेड रेसिपी, दैट इज स्प्राउटेड मूंग। तो स्प्राउटेड मूंग बनाने के लिए मैंने होल मूंग दाल का यूज किया है। 1 कप होल मूंग दाल मैंने गर्म पानी में ओवरनाइट सोक करके रख दी है। आप जब इसे ओवरनाइट सोक करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग ना ये अच्छे से फूल जाएगी। तो बस इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये अच्छे से फूल चुकी है। तो अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में डाल के खुले पानी में इसे वॉश कर लूंगी, क्योंकि दाल में जो कलर होता है, डर्ट होती है, वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे स्प्राउट्स बनाने के प्रोसेस में। दाल को खाने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे सोक करें, उसे स्प्राउट करें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, और उसके जो गैस कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। रुचिता दिवेकर कहती हैं कि बेस्ट तरीका होता है दालों को खाने का कि आप उन्हें स्प्राउट्स करें। तो यहाँ पे मैंने मसलिन क्लॉथ ले लिया है, उसके अंदर मैंने अपनी वॉश्ड दाल डाल दी है। बस इसे कवर करके, मॉइस्ट करके इस कपड़े को मैं रख दूंगी अवन में। 24 आवर्स में बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स निकल आएंगे। विंटर्स में 24 आवर्स लग जाते हैं, समर्स में तो 12 घंटे में, ओवरनाइट में ही आप देखेंगे इतने बड़े बड़े स्प्राउट्स निकल आते हैं। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का टॉवल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और ये जो स्प्राउट्स हैं वो मेरे 24 आवर्स में बने थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े से निकल जाते हैं। तो बस मैं इसे हाफ ऑफ कर लूंगी। हाफ का मैं बैटर बना के रख लेती हूँ
किसी भी दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के जब आपको ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चीला खाने का मन करे ना, तो बैटर एकदम फ्रिज में रेडी रहेगा, फटाफट आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो मैंने हाफ दाल का बैटर बना के रख लिया है और हाफ मैंने ऐसे ही दाल सेपरेट करके रख लिया है, बिकॉज मुझे इसका सैलड खाना भी बहुत पसंद है। तो मूंग दाल चीले की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो बैटर तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, बस उसके अंदर नमक डाला और अंदर मैंने पनीर की फिलिंग बना ली थी। तो ये देखिए, झटपट से किसी दिन ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया, मूंग दाल चीला। और ये नेक्स्ट रेसिपी है जो मैं मूंग दाल से बनाती हूँ, ये है सैलेड। सैलेड के लिए मैंने सारी अपनी वेजीज चॉप कर ली थी, प्याज टमाटर खीरा सब कुछ बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर मैंने मूंग दाल डाल ली है। साथ में थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर लीजिए, थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। अभी विंटर सीजन है, हम सभी के घर में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, उनको हम लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करें, कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज मेरे घर में काफ़ी सारी आ गई हैं, तो उसके जो टॉप स्टेम्स हैं उनको मैंने रिमूव कर लिया है और ये मेरे पास बेरी बोल है जिसके अंदर मैंने एक टिश्यू पेपर की लाइनिंग लगा ली है। अब स्टेम्स को रिमूव करके जब आप ग्रीन चिलीज को स्टोर करेंगे ना, तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती। ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर की लाइनिंग लगा दूंगी जिससे कि एक्सेस मॉइस्चर जो होता है वो टिश्यू पेपर में आ जाए और ग्रीन चिलीज एज इट इज रहे। ये आराम से 2 से 3 हफ्ते चल जाती हैं। कुछ इसी तरीके से मैं अपना धनिया भी स्टोर करती हूँ। आपको पूरा ऑल द वे स्टेम्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है धनिया की, क्योंकि जो सारा फ्लेवर होता है ना धनिया का वो स्टेम में ही होता है। तो बस मैंने नीचे के एंड्स थोड़े से रिमूव करके एक बेरी बोल में अच्छे से इनको सेट कर दिया है टिश्यू पेपर की लाइनिंग के साथ, और दो जो बंचेस होते हैं धनिया के आराम से 1 वीक तक चल जाते हैं, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। और इसी तरीके से मैं ना अपनी मेथी लीव्स को भी स्टेम से रिमूव करके स्टोर कर लेती हूँ किसी भी ग्लास कंटेनर में, या किसी भी बेरी बोल है आपके पास उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। बस टिश्यू पेपर की लाइनिंग आप ज़रूर लगाइएगा और मेथी को स्टोर करने से पहले ना धोइएगा ना काटिएगा, जब आप यूज़ करें तभी आप उसको वॉश करके काटिएगा। तो बस इस तरीके से कुछ आप प्रिपेयर करके रख लेंगे तो अगर आपको कभी आलू मेथी बनाने का मन है या मेथी के पराठे, झटपट बन जाते हैं, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं। होममेड स्पाइसेस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसाला मेरे घर में यूज़ होता है वो है रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जीरे को अच्छे से लो फ्लेम पे भूना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे भून देंगे ना तो सारा उसको ऑयल सेपरेट हो जाएगा और सो जीरा है वो एकदम काला हो जाएगा। तो एकदम धीरे धीरे फ्लेम पे आप उसे भून लीजिए। और कोई भी आप मसाला बनाते हैं ना, भूनने के बाद आप पीसने से पहले उसके अंदर सॉल्ट ज़रूर ऐड करिएगा, उस मसाले का टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। बस पीसने के बाद इस तरीके से ग्लास कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए और जब भी आप रायता बनाएं या सैलड बनाएं उसके ऊपर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब बारी आती है अपने मसाला डब्बा को फिल करने की। तो ये मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सा स्टील का मसाला डब्बा है। हर इंडियन किचन में मुझे लगता है ये मसाला डब्बा होना ही होना चाहिए, बहुत हैंडी रहता है। बिकॉज हमारी इंडियन कुकिंग ऐसी है ना, इसके अंदर बहुत सारे मसाले यूज़ होते हैं। तो मैं अपना ये मसाला डब्बा हर वीकेंड पे अच्छे से फिल करके रखती हूँ, जिससे कि वीक डेज की हसल बसल में मुझे मसालों को इधर उधर ना ढूंढना पड़े। और जो मेरे एक्सेसिव मसाले होते हैं, एक्स्ट्रा मसाले होते हैं, उनको मैं सबको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करती हूँ। और ये जो सारे ग्लास कंटेनर्स है ना, ये सब पास्ता सॉस के बॉटल्स होते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो मैं उनको वॉश करके रख लेती हूँ, और मसाला स्टोर करने के लिए बहुत काम आते हैं। और इनफैक्ट किचन की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेस होती हैं, तो वो इन सारे ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करने के बहुत काम आती हैं। तो अगर आपके घर में भी पास्ता सॉस वगैरह आती है, कॉफी आती है, उन सब के कंटेनर्स आप बचा के रख लीजिए अपने और किचन के चीज़ें स्टोर करने के लिए। तो मैं घर में गरम मसाला वगैरह भी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी कभी और शेयर करूंगी। आज मैंने नहीं बनाया तो इस वीडियो में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो ये कुछ मसाले जो मैंने फिल करके अपने मसाला डब्बा को अच्छे से क्लीन वगैरह करके इसे मैं एक हैंडी कैबिनेट में स्टोर करती हूँ, जिससे कि जब भी मैं कुकिंग करूँ मुझे मसाले चाहिए तो फटाफट से एक्सेस कर लूँ। मिंट पाउडर बनाने के लिए मैंने 2 पैक्स मिंट के ले लिए थे इंडियन स्टोर से। अब मैं इसे ना डिहाइड्रेट कर लूँगी अपने एयर फ्रायर ओवन में। अगर आपके पास एयर फ्रायर ओवन नहीं है और अगर आपके यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, तो आप मिंट लीव्स को धूप में भी ड्राई कर सकते हो। बस ड्राई करके मैंने तो डिहाइड्रेट किया था, तो अराउंड 2 आवर्स के लिए मैंने डिहाइड्रेशन प्रोसेस पे लगाया था। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई है सारी लीव्स, बस इन्हें हाथ से ही मैंने क्रश कर लिया। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी करके इसका फाइन सा पाउडर बना के रख लीजिए एक ग्लास
ग्लास कंटेनर में, और जब भी आप रायता वगैरह बनाए या तंदूरी चीज़ें बनाए उसमें ये बहुत काम आता है और बहुत फ्लेवर ऐड करता है। सिमिलरली मैं करी लीव्स थोड़े से एक्स्ट्रा ले आती हूँ, कुछ तो मैं फ्रेश अपनी फ्रिज में रखती हूँ और कुछ जो मुझे लंबे टाइम तक स्टोर करने होते हैं उन्हें मैं डिहाइड्रेट कर लेती हूँ। तो डिहाइड्रेट करने का फ़ायदा होता है कि लंबे टाइम तक इनका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। एक ग्लास कंटेनर में मैंने स्टोर कर लूंगी, इफ़ इन केस कभी जब फ्रेश वाले करी लीव्स ख़त्म हो जाएं और मुझे कोई साउथ इंडियन खाना बनाना है या उपमा वगैरह बनाना है उसके लिए चाहिए, तो मैं ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसे मैं एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लूंगी और ये एज इट इज़ रहते हैं, इनका शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग होता है। तो ये देखिए, ये भी एक कॉफ़ी का कंटेनर है जिसे मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करके अपने किचन में स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये है मेरी ड्राइड करी लीव्स। इस तरीके से करी लीव्स बहुत चलती हैं और मिंट पाउडर भी बहुत फ्लेवरफुल होता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट रेसिपी ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लड्डू। अगर आप अपना वेट वॉच कर रहे हो और आपको शुगर क्रेविंग्स होती है, या फिर अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कप्स पीटेड डेट्स लिए हैं और इन टोटल मिला के मैंने 2.5 कप के अराउंड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वान्टिटी, आपको जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है आप उसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो, कोई कम पसंद है तो कम कर सकते हो, या अपनी चॉइस से भी इसमें और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के अराउंड खसखस लिया है, बिकॉज खसखस भी काफ़ी अच्छा रहता है, विंटर्स में गर्म करता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने चॉपर में डाल के कोर्सली चॉप कर लिए। आप चाहो तो हाथ से भी चॉप कर सकते हो, बट मुझे ये टाइम सेविंग और क्विक वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने अपने इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के इसे कोर्सली चॉप कर लिया है। और अब मैं पीटर डेट्स भी इसके अंदर डाल के चॉप कर लूँगी। डेट्स को चॉप करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये थोड़े स्टिकी होते हैं, तो आपके चॉपर में बार बार चिपक जाएंगे और इन्हें चॉप करना थोड़ा सा टफ टास्क है, बट आप धीरे धीरे करके इन्हें बैचेस में चॉप करेंगे ना तो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है, अराउंड 2 टीस्पून के करीब, और पहले मैं थोड़ा सा खसखस को भून लूंगी। अगर आपके पास तिल है तो आप तिल भी ऐड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ खसखस। मैंने थोड़ा सा खसखस को रोस्ट कर लिया, अब मैं इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जो मॉइस्चर होता है ना ड्राई फ्रूट्स में वो भी निकल जाएगा और कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने अराउंड 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने चॉप्ड डेट्स भी ऐड कर दिए। डेट्स मैंने 3 कप इसलिए लिए थे जिससे कि ये अच्छे से बाइंड कर पाए सारे ड्राई फ्रूट्स को और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस भी डालें इस रेसिपी में। तो बस डेट्स डालते ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया और अब मैं धीरे धीरे इसको मिक्स करूंगी। डेट्स को जैसे जैसे आप चलाएंगे ना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता जाएगा, और जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था तब मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया घी से और हाथ से ना अच्छे से इसको गूंद लिया जैसे हम डो बनाते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को ग्रीस करके इसके आप लड्डू बना लीजिए, इसके आप बर्फी बना लीजिए बर्फी फॉर्म में। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे घर पे जब मैंने ये बनाए थे तब मैंने अपने एक गेस्ट को खिलाए, उनको बहुत टेस्टी लगे और मेरी फैमिली के तो ये हिट रेसिपी रही। मेरे बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये इस तरीके से बॉल फॉर्म में खा लेता है एंड इट इज़ अ गुड आफ्टर स्कूल स्नैक, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सब्सक्रिप्शन फॉर यू इज़ कम्प्लीटली फ्री, बट इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर करना सभी के साथ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और सभी को हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिक्वेस्ट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड आई वुड ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पे हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखो एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।